पहले 50 कॉल आते थे, पहले 100 मैसेज आते थे, आज एक कॉल नहीं आ रहा, एक मैसेज नहीं आ रहा। पहले 24 घंटे बातें होती थी, आज चार चार दिन तक बातें नहीं होती। पहले वो अपने अकॉर्डिंग नहीं चलता था, हमारे अकॉर्डिंग चलता था, तड़पता था, आज वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं चल रहा, हमारे अकॉर्डिंग नहीं तड़प रहा। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? आज उसने टाइम डिसाइड कर दिया, वो सुबह कॉल कर रहा है या कर रही है, या वो शाम को कर रही है, जब वो फ्री होगा तब वो कॉल मैसेज कर रहा है, कर रही है। बट हमें जब नीड होती है तब उनके ना कॉल उठाए जा रहे हैं ना मैसेज। ऐसा क्यों हो रहा है? हमें एंजाइटी हो रही है, हमें बेचैनी हो रही है, हमें मरने का मन कर रहा है, हमें सुसाइड अटेम्प्ट करने का मन कर रहा है। हम उनको खा रहे हैं, उन्हें क्वेश्चन कर रहे हैं। जैसे कोई बैकग्राउंड में कोई म्यूजिक की आवाज आ गई, किसी लड़की की आ गई, लड़के की आ गई, कोई भैया हो, मम्मी हो, हमें शक हो रहा है, हमें यूं लग रहा है वो किसी में इन्वॉल्व ना हो जाए। हमें ट्रस्ट है फिर भी हमें डर लग रहा है खोने का, हमें ऐसा लग रहा है इसका चक्कर होगा, हमें लग रहा है ये किसी के साथ सेक्स कर लेगा, कर लेगी। ऐसा क्यों हो रहा है? हमें बचना है। जैसे हमारे अंदर इनसिक्योरिटी आ रही है, जैसे हमें खोने का डर आ रहा है, जैसे हम पागल हो रहे हैं, वैसे वो क्यों नहीं हो रहा? वो हमसे प्यार क्यों नहीं कर रहा? तो सारे क्वेश्चन के जवाब दूंगा आपको। आप कॉल बुक करना, आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर दिख रहे होंगे स्क्रीन पे, ये रे, वहां जाके आप मैसेज करना और डायरेक्ट कॉल बुक करिए और डायरेक्ट मुझसे क्वेश्चन करिए, मैं आपकी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट करूंगा। देखो पहले चीज, पहले रिवर्स साइकोलॉजी में जाएंगे कि पहले 50 कॉल भी आते थे, 24 घंटे बातें होती थी, 4-5 महीने बहुत अच्छा चला है, 2-3 महीने इतना अच्छा चला, हम आसमान में उड़ रहे थे एरोप्लेन के साथ, बट हम बैठे हुए नहीं थे बट उड़ रहे थे, हमें अच्छा लग रहा था। रात को सो रहे हैं तब भी बात हो रही है, दिन में 24 घंटे फोन ही नहीं करता था, ऑनलाइन ही रहते थे हम, एक दूसरे से बातें करते थे। ऐसा क्यों हो रहा था कि वहां रिलेशन अच्छा था 3 महीने पहले स्टार्टिंग में, आज खराब हो रहा, आज लड़ाई है और आज बात करना पसंद नहीं कर रहा, जो कल तक पागल हो रही थी हो रहा था, आज उसने हमें आदत लगा दी बट वो नहीं हो रहा। देखो पहले वाली साइकोलॉजी में जाएंगे, रिवर्स जाओ आप, पहले क्या था कि हम एक दूसरे से बात कर रहे थे, हम एक दूसरे को जानते नहीं थे, हमारे पास बहुत सारी बातें थी, एक अंडरस्टैंडिंग थी। सामने वाला अगर बिजी भी जा रहा है तो हम उससे क्वेश्चन नहीं करते थे, उसने यूं कह दिया भैया से बात कर रही हूं, मेरे दोस्त का कॉल आ गया, तो हम यही कहते थे, अंडरस्टैंडिंग रहते थे कि यार ट्रस्ट करना चाहिए, लड़के दोस्त हो सकते हैं, लड़के दोस्त हो सकते हैं। ठीक है, तो वहां पार्टनर हमें समझता था, उसने अपने दोस्त वगैरह सब चीजें छोड़ दी। आप पहले क्या कहते थे, अच्छा आपको बात करने चलो, आप अपने दोस्त से बात कर लो, तो वहां आपका पार्टनर आपको जवाब देता था, नहीं नहीं यार दोस्तों से तो बहुत बातें होती रहती है, मैं तो आपको टाइम दूंगा दूंगी, तो आपको अच्छा लगता था, आप दोनों का टाइम ऐसा था कि आप दोनों एक दूसरे के अलावा अपने दोस्तों को छोड़ दिया, फैमिली को छोड़ दिया, मम्मी पापा को भूल गए, खाने को भूल गए, खाना खा रहे हो तो फोन ऑन है, हाँ क्या कर रही हो, क्या कर रहे हो, वो एक पल था, वो एक मोमेंट था, बट आज वो मोमेंट क्यों नहीं है? क्योंकि पहले आपके पास बातें हुआ करती थी, पहले आपके अंदर शक नहीं था, पहले आप फ्रीडम देते थे, पहले आप रोकते नहीं थे, पहले आप जो पहनना पहनने देते थे, पहले आपके अंदर एक ड्रीम था, आप एक मैच्योर लड़के थे, लड़की थी। आज आपकी कंडीशन क्या हो गया? आप अनमैच्योर हो गए। आप खुद को ही देखो, पहले 50 कॉल थे, आज एक कॉल नहीं हो रहा, आज वो अपने अकॉर्डिंग आपको चला रहा है कि यार मैं बिजी हूं, मेरे को बात नहीं करनी। आप क्यों कहोगे यार मैंने तेरे लिए ये करा वो करा, ये चीजें कहना बंद कर दो। ठीक है, आप बस 24 घंटे खाते रहते हो, कहां बिजी थी तू, ऑनलाइन थी तू, मेरे को स्क्रीन शॉट दे, किससे बात कर रही थी तू, गौरव को नहीं छोड़ेगी क्या, तू विजय को नहीं छोड़ेगा क्या, ठीक है तू पूजा से बात करती रहेगी क्या, करता रहेगा क्या, तू रेशमा से बात करता रहेगा क्या। हाँ, आज हमारे क्वेश्चन ये हो गए, जिन लोगों का हमारे रिलेशनशिप में मतलब नहीं है, आप क्या कर रहे हो? उस लड़के को अपनी बंदी के माइंड में डाल रहे हो, उस लड़की को अपने बंदे के माइंड में डाल रहे हो, पर्टिकुलर आप नाम ले रहे हो विजय विजय विजय, तो आपकी बंदी भी ये सोचेगी क्या चूतिया बनती, विजय का कोई रोल नहीं है, मेरी वजह से आप लोग लड़ाई कर रहे हो, आपका रिलेशनशिप जंड हो जाएगा। वो तो खुश है, मैं तो खुश हूं अपनी जिंदगी में, मेरे को कोई लेना देना नहीं है, बट आप दोनों की लड़ाई हो रही है, आर्ग्यूमेंट हो रही है, बहस हो रही है। अब आप रेशमा रेशमा को ला रहे हो, रेशमा का कोई रोल ही नहीं और आप दोनों लड़ाई कर रहे हो, तो पहले आपको तय तक जाना चाहिए। ठीक है, ऐसी आप किसी पे थोड़ी वो लगा दोगे कि क्राइम करा इसने मुजरिम, ऐसे नहीं ना, पहले आपके पास प्रूफ होने चाहिए, नहीं है तो क्यों आप लड़ाई कर रहे हो? एक ट्रस्ट रखो ना, जैसे स्टार्टिंग में था, स्टार्टिंग में आपको क्या था, हाँ यार आपको स्टडी करनी चाहिए, फैमिली वाले ऐसे होते, चाचा ऐसे होते, वो होते, वो बातें तो रही नहीं, हमें ये करना चाहिए, हाँ मेरे को घूमने का शौक है, मेरी हॉबी ये है, मैं ये कर रहा हूँ, फिर वो आपको सजेशन देता था आपका पार्टनर, आपको ऐसा करना चाहिए स्टार्टिंग में या स्टडी में या आपको जॉब में ऐसा करना चाहिए। आज आपके पास यही की आंसर रहता है, तू मेरे से प्यार नहीं करती, खा मम्मी कसम तू धोखा दे रही है, मैंने तेरे साथ जिंदगी झंड कर दी, तेरे को पैसे दे दिए, तेरी लाइफ में आके बहुत बड़ी गलती कर दी, तेरे पे यकीन करके गलती कर दी, मैंने तेरे से बहुत प्यार करा, सामने वाला भी सोचा क्या चूतिया पंती है ये, तो सामने वाला इसीलिए आपसे बात नहीं करा। अब आप पहले जैसे बन जाओ, जैसे क्या होता था पहले आप
कॉलेज भी जा रहे हो, ऑफिस भी जा रहे हो, अपना काम भी कर रहे हो, वो दोस्त से बात करिए, आपने खुला छोड़ दिया। देखो खुला छोड़ो, अपना है तो कहीं नहीं जाएगा, अपना नहीं है तो वो आपको धोखा देगा। एक प्रैक्टिकल रहो, आप क्या करो, एक मैच्योरिटी के साथ बार बार उन्हें ऑब्जर्व मत करो, ट्रू कॉलर पे मत देखो, इंस्टाग्राम पे वॉच मत करो, ऑनलाइन है क्या, व्हाट्सएप पे चेक मत करो, आप फिर ना अपने जॉब पे ध्यान दे पाओगे ना खुद पे, आपके करियर की माँ बहन एक हो जाएगी। समझ रहे नहीं समझ रहे, तो आपको ऐसे ट्रीट करना है पहली चीज तो। अब कई लोगों की प्रॉब्लम यह है कि सर उसने तो टाइम डिसाइड कर दिया, वो सुबह कॉल कर रहा है, शाम को कर रही है, फिर बीच में हमें याद आती है, हम नहीं कर पा रहे। देखो एक ही चीज कहना चाहूंगा, किसी के टाइम के अकॉर्डिंग मत चलो, रिलेशनशिप हो कुछ भी हो, आप गुलाम हो क्या? देखो अगर उसकी जॉब ऐसी है उसको फोन सबमिट कराना पड़ता है तो आपको चीजें समझनी चाहिए, बट अगर ऐसी नहीं है फिर वो आपको सुबह कॉल कर रहा है, शाम को आ रहा है, उसका मन हो रहा है, अपने अकॉर्डिंग चला रही है, तो आपको एक ही चीज करनी चाहिए, हाँ कैसे, अरे यार मैंने और जॉब ज्वाइन कर ली यार, है ना, मेरे को वहां जाना है यार, मैं अभी बात नहीं कर पाऊंगी, दोपहर में करती हूँ या करता हूँ, आपको फोन कट कर देना। अरे यार शाम को, अरे यार मैं थकी, नींद आ रही है, चलो कल सुबह कॉल करती हूँ आपको, आपको ऐसे ट्रीट करना है। उसके अंदर पेशेंस है तो आपको भी पेशेंस रखना पड़ेगा। देखो दर्द तब जख्म मिलता है हमें जब हम ज्यादा बवाल करते हैं, ज्यादा चीजों को कुरेदते हैं, ठीक है, वक्त के साथ दर्द भी कम हो जाता है। अगर आप वक्त पे चीजें छोड़ दोगे, साइलेंट कुछ दिन रहोगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिलेंगे, सामने वाला भी सोचना चाहेगा, सामने वाला भी आपके पास आना चाहेगा। तो चीजें आपको ही करनी है, आपको ही समझना है, आपको ही कम एफर्ट्स लगाना है, आपको ही कम भागना है, चीजें अच्छी होंगी, सामने वाला तड़पेगा, 100 कॉल भी आएंगे, 50 मैसेज भी आएंगे, बट कहीं ना कहीं आपको क्या है उनके टाइम के अकॉर्डिंग नहीं चलना, वो अगर आपके बिना रह रहे तो आपको भी रहना पड़ेगा। देखो मैं समझा सकता हूँ, डॉक्टर का हमें टैबलेट देना, वो आपको दे सकता है, घर आके आपको गोलियां घिटा नहीं सकता, तो मैं आपको समझा सकता हूँ, चीजें आपको ही करनी पड़ेगी, कंट्रोल आपको ही करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो बर्बाद हो जाओगे, ना कैरियर ना फ्यूचर, हर जगह से लॉस में जाओगे, कर्जा हो जाएगा, टेंशन हो जाएगी, बर्बाद हो जाओगे, तो ऐसा नहीं करना, ध्यान रखना है, वीडियो के पॉइंट पे फोकस करो। और कॉल बुक करनी हो तो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में मिल जाए, कॉल बुक करिए, डायरेक्ट बात करिए, आपकी ज़िंदगी बनाऊंगा, आपका भाई, ठीक है, बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।